हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और द 17th सेंचुरी. क्वेश्चन नंबर 1 इज हु रोट द फेरी क्वीन. फेरी क्वीन को किसने लिखा है? सो द आंसर इज एडमंड स्पेंसर. नंबर 2 इज व्हाट इज द 9-line स्टैंजा यूज्ड इन द फेरी क्वीन कॉल्ड. जो फेरी क्वीन में 9-line स्टैंजा यूज्ड हुआ है उसको क्या कहा गया है या फिर वह क्या है? सो द आंसर इज स्पेंसेरियन. इसको स्पेंसेरियन स्टैंजा बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज द एंटनी ऑफ मेलंकली इज रिटन बाय. एंटनी एंड मेलंकली किसने लिखी है? सो द आंसर इज रॉबर्ट बर्टन. नंबर 4 इज डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ स्टोरी ऑफ. डॉक्टर फॉस्टर्स कैसी स्टोरी है? सो आंसर इज सी द रिनेसा लव ऑफ पावर. क्वेश्चन नंबर 5 इज मार्लो ने क्या इन्वेंट किया है? सो डी ब्लैंक वर्ड्स. मार्लो ने ब्लैंक वर्ड्स को इन्वेंट किया है. क्वेश्चन नंबर 6 इज रोमियो एंड जूलियट इज आ. क्या है रोमियो एंड जूलियट? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है या फिर हिस्ट्री है? सो द आंसर इज सी ट्रेजी कॉमेडी. क्वेश्चन नंबर 7 इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज रिटन बाय. किसने लिखी है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर? बेन जॉनसन, ड्राइडन, जॉन डन या मार्स्टन? सो द आंसर इज बेन जॉनसन. क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्राइडन रोट. ड्राइडन ने इनमें से कौन सी बुक को लिखा है? सीजोनस द कॉम्प्लीट एंगर, औरंगजेब या प्रिंसिपिया? सो द आंसर इज औरंगजेब, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 9 इज द सॉन्ग ड्रिंक टू मी ओनली विद थाइन आईज इज रिटन बाय. किसके द्वारा लिखा गया है ये सॉन्ग? लिली, बेन जॉनसन, शेक्सपियर या फिर डी स्पेंसर? सो द आंसर इज बी बेन जॉनसन. क्वेश्चन नंबर 10 इज द प्यूरिटन पार्लियामेंट क्लोज्ड द थिएटर्स इन. प्यूरिटन पार्लियामेंट ने किस समय जो ये थिएटर थे वो क्लोज्ड हो गए थे? सो 1638 में, 1632, 1606 या फिर 1642? सो द आंसर इज प्यूरिटन पार्लियामेंट क्लोज्ड थिएटर. कब कर दिया था थिएटर क्लोज? सो द आंसर इज डी 1642. क्वेश्चन नंबर 11 इज द शूमेकर्स हॉलीडे इज अ प्ले रिटन बाय. किसके द्वारा लिखा गया है शूमेकर्स हॉलीडे? ये जो प्ले है किसके द्वारा लिखा गया है? शेक्सपियर, मार्लो, थॉमस टेकर या मार्स्टन? सो द आंसर इज थॉमस टेकर, सी. क्वेश्चन नंबर 12 इज बेन जॉनसन्स द पोएटस्टर इज अ सटायर ऑन. किसके ऊपर सटायर है ये? मार्स्टन एंड डेकर के, मार्लो के, किट के या फिर ग्रीन के? सो द आंसर इज मार्स्टन एंड डेकर, ए. क्वेश्चन नंबर 13 इज द मेन थीम ऑफ वेबस्टर्स प्लेस इज हिज. वेबस्टर के प्लेस की मेन थीम क्या है? ह्यूमर है, सटायर है, प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ और सोशल लाइफ? सो द आंसर इज प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14 इज मार्लो, किट, लिली एंड ग्रीन वर नोन एज. कैसे जाने जाते हैं ये जो
राइटर है मान लो केट लिली एंड ग्रीन, ह्यूमरिस्ट है यूनिवर्सिटी विट्स है, द रिवाल्स ऑफ शेक्सपियर है या फिर डेकेडेंस है। सो द आंसर इज बी यूनिवर्सिटी विट्स। लंदन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे ये, सो ये कहलाते थे आपके यूनिवर्सिटी विट्स। क्वेश्चन नंबर 15 इज द पर्सन हु कोलैबोरेटेड विद व्यूमाउंट फॉर मैनी प्लेस वाज। मैनी प्लेस वाज फ्लेचर, शेक्सपियर, मार्स्टन, ग्रीन। सो द आंसर इज फ्लेचर। क्वेश्चन नंबर 16 इज हैरिक, कैरू, सकलिंग एंड लवलेस वर कलेक्टिवली कॉल्ड, क्या कहलाते हैं ये? मेटाफिजिकल पोएट कहलाते हैं, रिलीजियस पोएट्स हैं, प्यूरिटन्स हैं, ये कैवेलियर पोएट हैं। सो द आंसर इज दीज आर कॉल्ड कैवेलियर पोएट्स। क्वेश्चन नंबर 17 इज द हॉर्टेन ओड बाई एंड्रयू मार्वल इज एड्रेस्ड टू। हॉर्टेन ओड जो है जो कि किसने लिखी है? एंड्रयू मार्वल ने लिखी है, उसमें उन्होंने किसको एड्रेस्ड किया है? क्रॉमवेल को, चार्ल्स सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ और शेक्सपियर, इनमें से किसको उन्होंने एड्रेस किया है? सो द आंसर इज क्रॉमवेल ए। क्वेश्चन नंबर 18 इज कोमस बाय मिल्टन इज ए और एन। कोमस जो है मिल्टन के द्वारा वो क्या है? मास्क है, ओड है, एपिक है या फिर लिरिक है? सो कोमस इज अ मास्क, ऑप्शन ए। नंबर 19 इज लिसिदास इज एन एलेजी बाय मिल्टन ऑन, जो लिसिदास है मिल्टन के द्वारा लिखी गई है जो कि एक एलेजी है, वो किसके ऊपर है? आर्थर हैलम, एडवर्ड किंग, क्रॉमवेल या फिर बेन जॉनसन? सो द आंसर इज एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग पर लिसिदास जो है वो उनको डेडिकेटेड है जो कि मिल्टन के फ्रेंड थे। क्वेश्चन नंबर 20 इज द कंप्लीट एंगर इज रिटन बाय, कंप्लीट एंगर किसके द्वारा लिखी गई है? मिल्टन, रॉबर्ट बर्टन, इजाक वॉल्टन या फिर थॉमस फुलर? सो द आंसर इज इजाक वॉल्टन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 इज लेवेंथन इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है लेवेंथन? मिल्टन, मार्वल, थॉमस हॉब्स या फिर फेरक्यूहर? सो द आंसर इज सी, थॉमस हॉब्स, सी। क्वेश्चन नंबर 22 इज द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन इज आ या फिर एन, जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है जो कि जॉन बनियन ने लिखी है वो क्या है? आपकी बुक ऑफ फिलोसफी है, ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन है, मास्क है या फिर एलिगरी है? सो द आंसर इज इट इज कॉल्ड एलिगरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 इज सैमुअल बटलर सटायर ऑन प्यूरिटनिज्म इज, सैमुअल बटलर का जो सटायर है किसके ऊपर है? प्यूरिटनिज्म पर है, क्या है वो? हुडी ब्रास, वे ऑफ द वर्ल्ड, उटोपिया, पैराडाइज लॉस्ट? सो द आंसर इज हुडी ब्रास। सो ये जो आपका है सैमुअल बटलर यीट्स का, ये सटायर है जो कि प्यूरिटनिज्म पर है। क्वेश्चन नंबर 24 इज जॉन एवलिन्स डायरी इज फेमस फॉर, किस चीज के लिए फेमस है? डिस्क्राइबिंग मेजर सोशल इवेंट्स ऑफ हिज टाइम्स या फिर डिस्क्राइबिंग पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए है या फिर स्कॉलरली रिसर्च के लिए है या फिर डी नथिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए है? सो द आंसर इज जॉन एवलिन्स डायरी इज फेमस फॉर, ऑप्शन ए।
डिस्क्राइबिंग मेजर सोशल इवेंट्स ऑफ हिज टाइम्स, अपने समय के लिए जो मेजर इवेंट्स हुए थे सोशल इवेंट्स उनके लिए है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सैमुअल पेपीज डायरी इज मेनली, सैमुअल पेपीज की जो डायरी है वो मेनली किस चीज के लिए है, सोशल के लिए है, कन्फेशनल है, डिस्क्रिप्टिव है या आर्ग्यूमेंटेटिव है. सो द आंसर इज इट इज कन्फेशनल. ओके सो इट इज कंप्लीटेड. बाय बाय.